आज हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी इंसान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फिर भगोड़ा या अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट की तरफ से, तो क्या उसे बेल मिल सकती है। अब देखिए, कोर्ट कब किसी को भगोड़ा डिक्लेयर करती है, कब किसी को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है, जब वो कोर्ट में जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें उसे पेश होना चाहिए और वो पेश नहीं हो रहा। तो अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से कोर्ट किसी एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश करा सकती है। अब इससे भी पहले हमें इस सवाल के साथ डील करना होगा कि कोर्ट एक्यूज्ड को कोर्ट में क्यों चाहती है। अब जिसके अगेंस्ट ऑफेंस एलिज किया गया है, आइडियली दैट पर्सन शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, उसे कोर्ट में प्रेजेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोर्ट उसको सजा सुनाती है तो वो अपनी सजा को फेस करने के लिए ही शुड बी अवेलेबल। दिस इज वन रीजन। सेकेंडली, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर द पनिशमेंट इज डेटरेंट, द पनिशमेंट इज सिवियर, एक कोअर्सिव पनिशमेंट है, किसी की लिबर्टी लेने वाली पनिशमेंट है। उसमें अगर एक क्रिमिनल केस के अंदर कोर्ट किसी को गिल्टी होल्ड करती है, जनरली दैट पर्सन विल बी सेंट टू टू द प्रिजन। तो ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, किसी की अगर लिबर्टी चली जाती है अंडर द लॉ, इट इज अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। तो इस वजह से दैट पर्सन शुड बी अवेयर कि हर डेट पे क्या हो रहा है, सो दैट टुमोरो ही कांट से कि मेरे एब्सेंस में ये फलानी प्रक्रिया हुई थी। सो देर आर टू फोल्ड ब्रॉडली टू फोल्ड रीजंस क्यों एक्यूज को कोर्ट चाहती है कि वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हो। एक, जब भी उनको सजा सुनाई जाए ही शुड बी देयर टू फेस द पनिशमेंट। नंबर टू, सिंस द पनिशमेंट टेक्स अवे हिज लिबर्टी, हिज और हर लिबर्टी ऑफ द एक्यूज, दैट पर्सन शुड बी अवेयर कि उनके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग्स हुई थी जिस वजह से उनको जेल भेजा जा रहा है। अब ये होगी कि कोर्ट क्यों किसी एक्यूज को चाहती है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। अब ये प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए भी कोर्ट शुड हैव सर्टेन प्रोसीजर्स। सो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कोर्ट किसी एक्यूज को कोर्ट में उनकी प्रेजेंस इंश्योर कर सकती है। नंबर वन, कि उनको नोटिस या समन्स भेज करके, सबसे पहला यही होता है, कोर्ट समन्स भेजती है कि आपको फलानी डेट पे एज एन एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट रहना है। अब समन्स के रिस्पॉन्स में अगर कोई एक्यूज पेश नहीं होता तो फिर कोर्ट जनरली बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट मतलब कि पुलिस ऑफिसर, जो भी आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर होगा, वो आपके घर जाएगा बेलेबल वारंट लेकर के और आपको बोलेगा फलानी डेट पे कोर्ट में मैटर लिस्टेड है, आपको पेश होना है एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर, और आप उसी दौरान अपनी श्योरिटी उनको देते हैं, अपनी जो भी बेल बॉन्ड वगैरह आप भरते हैं, और वहीं के वहीं आपको वो बेल पर आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और आप, यू आर नॉट अरेस्टेड, बेसिकली आपको अरेस्ट नहीं करते, यू आर ऑन बेल, और आपको बोला बोल दिया जाता है कि फलानी डेट पे आपको कोर्ट में पेश होना है। थर्ड इज थ्रू नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट मतलब कि पुलिस आपको फलानी डेट पे, जिस भी डेट पे कोर्ट ने कहा है, आपको पुलिस लेकर के जाएगी और लेकर के आपको कोर्ट के सामने पेश करेगी, आपकी लिबर्टी जो है वो चली जाती है, यू आर इन अ वे अरेस्टेड एंड टेकन बिफोर द कोर्ट। तो ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से कोर्ट अपने एक्यूज्ड को अपने सामने पेश करा सकती है। फर्स्ट इज थ्रू नोटिस और समन्स, सेकेंडली थ्रू बेलेबल वारंट, एंड थर्डली थ्रू नॉन बेलेबल वारंट। अब इन तीन प्रोसेसेस के बावजूद, और ये सारे इनका एक ऑर्डर है, सबसे पहले समन्स जाएंगे, अगर समन्स पे नहीं आते तो नॉन बेलेबल, तो बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करेगी, और बेलेबल पे नहीं आते तो नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करेगी। अब इन तीनों के अलावा भी, नॉन बेलेबल वारंट इशू किया और एक्यूज मिल नहीं रहा है अपने घर पे या है नहीं या अपने आप को हाइड कर रहा है, तो इन दैट केस कोर्ट फिर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देती है, भगोड़ा डिक्लेयर कर देती है, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है, प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर देती है। अब प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर करने का या भगोड़ा डिक्लेयर करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि उनको कहीं पे भी बेल नहीं मिलती, नंबर वन। नंबर टू, वो कहीं पर भी अगर पुलिस उनको लोकेट करती है तो दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो ये बहुत ही डेटरेंट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ नॉट अपियरिंग बिफोर द कोर्ट। तो इन दैट केस एंटिसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल होता है अनलेस यू कैन सेटिस्फाई द कोर्ट कि वो जो भगोड़े की जो प्रक्रिया थी, भगोड़ा डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया थी, वो बहुत ही ज्यादा बेसलेस थी, बहुत ही परवर्स थी, मैलाफाइट तो नहीं है पर बिल्कुल ही गलत थी वो प्रोसीडिंग। अनलेस यू कैन सेटिस्फाई द कोर्ट, जनरली इसमें एंटिसिपेटरी बेल तो नहीं मिलती। एंटिसिपेटरी बेल मतलब अ बेल विच इज इन एंटिसिपेशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड, मतलब कि आप अरेस्ट अभी हुए नहीं है पर आप कोर्ट को जाके कहते हैं कि मेरे को एंटिसिपेशन है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, तो मेरे को आप बेल दे दीजिए। तो
तो जब भगोड़ा कोई डिक्लेयर हो जाता तो एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं मिलती, क्योंकि कोर्ट चाहती है आप कोर्ट के सामने पेश हो। तो इन सच ए केस आप जब भगोड़ा कोई डिक्लेयर होता है, इन सच ए केस द पर्सन शुड आइडियली सरेंडर बिफोर द कोर्ट। सरेंडर करके इमीडिएटली बेल की एप्लीकेशन लगाए। अगर आप एक अच्छा रीजन दिखा सकते हैं कि मेरा एड्रेस ही गलत था वारंट्स पे, या फिर मैं तो घर पे था पर कोई वारंट्स मेरे पास लेकर के नहीं आता था। हमारे केस में ऐसा हुआ था कि हमारे जो क्लाइंट थे वो घर पे ही थे, ऑल थ्रू आउट घर पे थे। कोर्ट उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया था कोर्ट ने, पर जो कंसर्न पर्सन थे जो एनबीडब्ल्यू को एग्जीक्यूट करने आ रहे थे, वो अपने एग्जीक्यूशन नोट में बार बार तीन चार बार उन्होंने, मतलब तीन चार अलग अलग डेट्स में उन्होंने आइडेंटिकल उन्होंने एग्जीक्यूशन नोट अपना कोर्ट के सामने सबमिट किया था। तो हमने कोर्ट को दिखाया कि देखिए, नंबर वन, जब भी हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया फाइनली तो हम अपने घर पे ही थे। नंबर टू, आप एग्जीक्यूशन नोट्स देखिए, तीन एग्जीक्यूशन नोट्स से आइडेंटिकल हैं। तो हमने जज को ये कहा था, जज साहब को ये कहा था कि आप एक पेज को पढ़िए, मैं दूसरे पेज से पढ़ूंगा, इसके कंटेंट्स आइडेंटिकल है। तो मतलब कि कोई घर पे गया ही नहीं था। तो ऑन दैट ग्राउंड वी वर ग्रांटेड बेल। तो जब कोई भगोड़ा डिक्लेयर हो जाता है, जब कोर्ट किसी को भगोड़ा मान लेती है, तो आपको ये दिखाना होता है कोर्ट में कि मेरे को गलत तरीके से भगोड़ा डिक्लेयर किया गया है, मेरे को आई वॉज मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कानून से भागने की, या फिर आई वॉज नॉट अवेयर। बट हाँ, अगर आप कोर्ट के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि जब भी कोर्ट से कोई समन्स आते हैं, कोई वारंट्स आते हैं, कोई नोटिस आते हैं, यू शुड ऑलवेज अपियर बिफोर द कोर्ट और अपना पक्ष रखें कोर्ट के सामने निडर होके। और बिल्कुल आपका जो पक्ष है, सही है गलत है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, बट आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। तो कमिंग बैक टू अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि अगर कोई भगोड़ा डिक्लेयर हो जाता है, कोर्ट किसी को भगोड़ा समझ लेती है, तो क्या उसे बेल मिल सकती है? तो इसका आंसर जो मैंने कहा आपको, बेल आपको तभी मिलेगी अगर आप कोर्ट को यह दिखा सकते हैं कि हाँ, यू हैड ए जेन्युइन रीजन कि आप क्यों पेश नहीं हो पाए थे। फॉर एग्जाम्पल, जेन्युइन रीजन क्या हो सकते हैं? आप मान लीजिए कोई ट्रांसफरेबल जॉब में है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, उनका आज की डेट में एड्रेस प्रूफ कुछ था, कल की डेट में कोई दूसरी स्टेट में है, तो उनको नहीं पता होगा कि वो उनके प्रीवियस जो रेंटेड अकोमोडेशन थी वहां पे कोई नोटिस जा रहा है, समन जा रहा है, उनको नहीं पता होगा। तो यू कैन गो बिफोर द कोर्ट एंड यू कैन टेल कि मेरे को नहीं इंफॉर्मेशन थी, और कोर्ट इन दैट केस एक कंडीशन लगा देगी बेल की कि जब भी आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे यू विल इन्फॉर्म द कोर्ट, और आप हर डेट पे पेश होंगे, और पुलिस जब भी आपको बुलाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें कोर्ट आपको कंडीशंस में लगा सकती है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में बताया कि जो समन्स या जो वारंट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे वो हो ही नहीं रहे थे, वो बस उनको एक नोटिंग बना करके कोर्ट के सामने डाल दिया जा रहा था। जो भी कंसर्न पुलिस के जो कांस्टेबल आ रहे थे वो बस एक नोटिंग बना करके आ नहीं रहे थे, और बस नोटिंग बना के कोर्ट में गलत सी डाल रहे थे। तो ऐसे तमाम रीजंस हो सकते हैं जिससे आप दिखा सकते हैं कि मतलब आपको गलत तरीके से भगोड़ा डिक्लेयर किया गया है, एंड यू वर ऑलवेज रेडी एंड विलिंग, या फिर आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की, या कोर्ट के प्रोसेसेस को इग्नोर करने की, या कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करने की, पर द सिचुएशन वाज सच या सर्कमस्टेंसेस वाज सच कि किसी तरीके से इट वाज मेड टू अपियर दैट यू आर एब्सकॉन्डिंग और यू आर अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। सो दिस वाज अबाउट इट। टू सम अप, कोर्ट ये चाहती है कि जब भी, स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स में, कोर्ट ये चाहती है कि जब भी कोई आपके खिलाफ केस है तो आप कोर्ट में पेश हो, आप कोर्ट में पेश होइए। अगर आप नहीं पेश हो सकते तो इन दैट केस देर इज समथिंग कॉल्ड एन एग्जेम्पशन एप्लीकेशन, जहां पर कि आप कोर्ट को बताते हैं कि मेरी फलानी डेट पे आपके सामने मैटर लगा है, मेरे मेडिकल रीजंस है, घर पे शादी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मेरी अपियरेंस को एक डेट के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो ये लीगली आप एग्जेम्पशन मांग सकते हैं, पर कोर्ट के प्रोसेसेस से भागना या कोर्ट के प्रोसेसेस को अवॉइड करना, कोर्ट के नोटिस समन वारंट अवॉइड करना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। उसको उसको नहीं करना चाहिए। आपको जब भी कोर्ट से कोई समन वारंट नोटिस वगैरह जो भी आए, कोर्ट में पेश होइए, अपना पक्ष रखिए। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।